ये प्रेम की गोली है, कहीं रंग तो कहीं रंगोली है। अवध में प्रभु श्री राम की होली है तो ब्रज में कान्हा की होली है। और हम भी पहुंचे हैं एक ऐसी ही होली के बीच, रायपुर की पॉश कॉलोनी में से एक सृष्टि प्लाजो में, जहां पर सभी धर्म के लोग सालों से मना रहे हैं होली और रंगों से दे रहे हैं सद्भाव का संदेश। राजधानी रायपुर के अवंती विहार स्थित सृष्टि प्लाजो के अध्यक्ष का कहना है कि लगभग 14 सालों से होली मिलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। यही नहीं, कोई भी कार्यक्रम सभी मिलकर बड़े धूमधाम से मनाते हैं और एक अच्छा संदेश लोगों में देते हैं। यहां फाग गीतों से सजी शाम का आयोजन भी किया गया है, जिसमें कॉलोनी के सभी लोगों ने हिस्सा लिया और आयोजन का लुत्फ उठाया। होली की शुभकामनाएं देते हुए लोगों ने एकजुटता का संदेश भी दिया। कहीं रंग तो कहीं रंगोली है, रंग डालना बुरा तो नहीं फिर भी बुरा ना मानो होली है। नमस्कार, अनादि टीवी के साथ आज मैं हूँ आपके साथ लीना, और होली स्पेशल हम आज ये जो कार्यक्रम देखने आए हैं ये है हम राजधानी रायपुर के सृष्टि प्लाजो सोसाइटी में, जहाँ पर बहुत ही सुंदर होली के अवसर पर आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं कि सुंदर फाग गीतों की संध्या जो यहाँ पर सजाई गई है, लोग यहाँ पर बैठे हैं, सारी महिलाएं भी यहाँ पर बैठी हुई हैं और कितना एंजॉय ये लोग कर रहे हैं। बाकी बिहारी से कौन कौन नजरें मिलाते हैं? सभी मिलाते हैं ना? नहीं मिलाते आप सब कौन कौन मंदिर में जाके बाकी बिहारी से नजर मिलाते हैं? आप मिलाते हैं चलिए अब सोसाइटी के जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि इस बार के आयोजन में होली में क्या किस तरह से खास किया जा रहा है। होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होलिका दहन बहुत समय से मनाया जाता है। इसका कारण, जो मुख्य कारण है, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जिसका बेटा प्रहलाद विष्णु जी का भक्त था, लगता था। एक उसकी बहन थी जो कि प्रहलाद की बुआ थी, उसको ये वरदान था, उसमें एक वस्त्र था, अगर उसे वो ओढ़ लेगी तो उसे अग्नि नहीं जला सकती। परंतु जब होलिका अपने गोद में लेके भक्त प्रहलाद को बैठी तो वो चुनरी प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और होलिका का दहन हो गया। जब से होली का दहन मनाया जाता है, बुराई पर अच्छाई की जीत, भक्तों को भगवान हमेशा बचाते हैं, ये दर्शाया गया है। सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार होली किस तरीके से मना रहे हैं आप? होली में क्या खास कर रहे हैं? पनाहों में जो आ गए उस पे वार क्या करना? पनाहों में जो आ गए उस पे वार क्या करना? सबसे पहले तो सृष्टि प्लाजो परिवार की ओर से आप सभी का होली में स्वागत करते हैं। और होली रंगों का त्यौहार है, इसको जैसे जीवन में हमेशा रंग भरे हों तो वो जीवन कभी वीर मतलब बूढ़ा नहीं होता, तो उसी तरह होली रंगों का त्यौहार है। और ये साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि हम अपने जीवन को इतना खुशियों से भर दें कि फिर हमारे को उसकी कमी महसूस ना हो। साथ ही इसमें बच्चों को अपने को संस्कार देना चाहिए, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। जब अपन ये सब चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं एक समृद्ध भारत के निर्माण में हमारा योगदान होगा। इसलिए मैं आप सबको होली के हार्दिक बधाई देता हूँ। होली का आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? प्लाजो का यह कार्यक्रम कहीं भी वृंदावन से कम नहीं लग रहा है। आज पिछले 10 साल से हम इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, 2014 से सोसाइटी रन हो रही है। सृष्टि प्लाजो के समस्त सारे परिवार लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आज साथ में प्लाजो के द्वारा सुर सिंगार का कार्यक्रम और अनादि चैनल का यहाँ पे आना बहुत ही गर्व की बात है। मैं पुनः सृष्टि प्लाजो परिवार के समस्त लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थैंक यू।
तो रंगों के त्यौहार होली में जिस तरह से सब अपने अपने तरीके से त्यौहार को मनाते हैं, सबके एक अलग अलग मायने हैं त्यौहार को लेकर। आपसे जानना चाहेंगे कि होली का जो त्यौहार है आपके लिए, कि अगर आप शब्दों में बयां करें किस तरह से आपके लिए होली के मायने हैं। होली का त्यौहार तो बहुत ही मिलनसार त्यौहार है। इसमें सभी कौम के लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और बच्चे से लेकर वृद्ध तक इसमें आनंद लेते हैं और कोई भेदभाव नहीं। हमारी सृष्टि प्लाजो में 200 घर हैं, अलग अलग कास्ट के हैं, लेकिन मनाते सब ऐसे ही हैं जैसे पूरे सब एक होकर के इस हर त्यौहार को बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। बहुत ही बढ़िया बात कही उन्होंने कि जैसे हमारे देश में कई तरह की भिन्नता है, सारे समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और मिलके कितना सुंदर होली मना रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं। एक और हमारे साथ बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि होली को लेकर उनका क्या कहना है। सृष्टि प्लाजो जैसा परिवार यहाँ पर कोई भी नहीं है और रायपुर में सबसे टॉप है सृष्टि प्लाजो टॉप, और सृष्टि प्लाजो जैसा आदर सत्कार यहाँ पर होता है। रंगों का त्यौहार होली सभी हिंदू त्यौहारों में सबसे जीवंत है। ये भारत में सर्दियों के अंत का प्रतीक है और वसंत ऋतु का स्वागत करता है। रथोत्सव के दिन लोग रंगों से खेलते हैं, मिलते हैं और एक दूसरे को बधाई देते हैं तथा नई शुरुआत करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है? यहाँ आपको इस रंगीन त्यौहार के बारे में जानने की जरूरत है और भारत में आने वाली होली के दौरान आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। देश में आने सभी त्योहारों की तरह होली का त्यौहार भी लोकप्रिय कथाओं से जुड़ा है। ये दिलचस्प कहानियाँ विभिन्न त्योहारों के पीछे के इतिहास को बताती है। मेरा
इसकी पौराणिक मान्यता वही है जो हम सभी को ज्ञात है कि किस तरह हिरण्यकश्यप के षड्यंत्र को विफल कर भक्त प्रहलाद होलिका की गोद में भी अग्नि से बच निकले। इसी मान्यता के साथ छत्तीसगढ़ में होली को होरी नाम से जाना जाता है और इस पर्व पर लोकगीतों की अद्भुत परंपरा है। ऋतुराज बसंत के आते ही छत्तीसगढ़ के गली गली में नगाड़े की थाप के साथ राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग भरे गीत जन जन के मुंह से बरबस फूटने लगते हैं। होली के समय गांव शहर और सृष्टि प्लाजो जैसी कॉलोनियों में युवक युवतियों की भीड़ रहती है। सारा रा 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 रे भाई सुन ले मोर कबीर के साथ चढ़ाव में बजते मादर में सब कुछ पलों के लिए खामोशी छा जाती है। गायक वादक के साथ ही श्रोताओं का ध्यान कबीर पढ़ने वालों पर केंद्रित हो जाता है। वो एक दो लाइन का पद सुरीले व तीव्र स्वर में गाता है। ये कबीर या साखी फाग के बीच फाग के उत्साह को बढ़ाने के लिए किसी एक व्यक्ति के द्वारा गाया जाता है एवं बाकी लोग पद के अंतिम शब्दों को दोहराते हैं और उनका साथ देते हैं। इसी के साथ ही कबीर के दोहे या अन्य प्रचलित दोहे छंद की समाप्ति के बाद पढ़े जाते हैं। पुनः वही फाग अपने पूरे ऊर्जा के साथ अपने चरमोत आकर्ष पर पहुंच जाता है। गांव की चौक चौक में फाग के गीत होली के दिन सुबह से देर शाम तक निरंतर चलते हैं। रंग भरी पिचकारियों से बरसते रंग एवं उड़ते गुलाल में मदमस्त छत्तीसगढ़ अपने फागुन महाराज को अगले वर्ष फिर से आने का न्योता देता है। आइए अब आपको सुनाते हैं फाग गीत और करते हैं फाग गीतों का आनंद लेते हैं। आइए पिचकारी के फव्वारे छोड़ के मजे लेता है। सभी का अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। किसी का तरीका होता है कि उस पल को अपने मोबाइल में कैद करता है, क्योंकि आजकल मोबाइल का जो दौर चल रहा है सभी को पृष्ठ भागों में देखने के लिए, उसे इतिहास के पन्नों में दर्ज करने के लिए सब उसे कैप्चर करना चाहते हैं। तो सभी अपने अपने रूप इस त्योहार को मना रहे हैं। आइए पुनः गीतों की इस श्रृंखला के साथ आप सभी को जोड़ चले दीदी पिंकी साहू महानंद जी के। चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं हमारी सहयोगी करिश्मा सोनी की तरफ। करिश्मा वहाँ पे मौजूद जितने लोग हैं उनसे बात करेगी और कैसा उनमें उत्साह बना हुआ है इसके लिए हमारे साथ। अब आगे चलते हैं करिश्मा के साथ। आप सब नाराज हैं? बिल्कुल, देख सकते हैं होली का त्यौहार है और ऐसे में सभी लोग जो है यहाँ पर मौजूद है। आपको दिखाना चाहेंगे, हम रायपुर राजधानी में अभी खड़े हैं और लोगों में एक अलग सा उत्साह रहता है। बदरा छाई है फागुन की, फिर से हुड़दंगे मचाएंगे, तरह तरह के रंग लगाकर होली का त्यौहार हम मनाएंगे। देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। होली का त्यौहार है, आपको कैसा लगता है होली का त्यौहार? बहुत बढ़िया लगता है, बहुत मजा आता है। इस बार होली में क्या कुछ खास करेंगे? यहाँ प्लाजो परिवार के साथ मनाएंगे, हमारे लिए यही सबसे बड़ा परिवार है और सबसे प्यारा परिवार है। जिस तरीके से बताया जा सकता है होली एक पारिवारिक माहौल देता है और देख सकते हैं कि लोग छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब एक साथ आते हैं और होली का त्यौहार मनाते हैं। और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे होली का त्यौहार आपको कैसा लगता है, क्या कुछ मायने समझते हैं होली के? होली ऐसा है कि दिल में रंजिश हो, कोई भी गिला शिकवा हो, सारी दूर हो जाती है। होली के त्यौहार ऐसा है कि सब परिवार बनकर मनाते हैं और सारी रंजिशें, सारे गिले शिकवे, बुराइयां सब दूर हो जाती हैं और हर्षोल्लास के साथ सारी सोसाइटी एक साथ मनाती है, तो बहुत मज़ा आता है। देख सकते हैं लोगों का कहना है कि हर्षोल्लास के साथ होली मनाते वो नजर आते हैं। अभी हम यहाँ पर खड़े और भी अतरंगी अंदाज में भी हमें लोग नजर आ रहे हैं। आपसे पूछना चाहेंगे होली पर आप विग लगाए हुए हैं और होली किस तरीके से मनाते हैं? बहुत अच्छे तरीके से मना रहे हैं और शांति से मना रहे हैं, गुलाल से खेल रहे हैं। तो आप होली पर क्या कुछ खास करते हैं? होली पर क्या कुछ खास करते हैं? क्या बोले? होली पर क्या कुछ खास रहता है? सृष्टि प्लाजो में होली ऐसे ही खास हो जाता है। तो जिस तरीके से लोगों से हम आज चर्चा कर रहे हैं उनका भी कहना है और इस और आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर गाना चल रहा है और लोग यहाँ पर जॉयफुल होली पे हैं वो बता रहे हैं। अरे मेरी जानी
हैप्पी होली। हैप्पी होली। यहाँ पे देख सकते हैं छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी होली खेलते नजर आ रहे हैं। रंगीन माहौल है, छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक जो है होली पर क्या कहना चाहेंगे? सब बढ़िया है और कुछ नहीं, क्या कहेंगे। बच्चे सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं होली को, आप कैसे मनाते हैं होली? पक्का रंग डाल के। पक्का रंग डाल के जी। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे यहाँ पर जो है होली पर किस तरीके से कलर लगाते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, कितना मजा आता है। अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। ए भाई पकड़ो तो। तो ये हमने देखी कि किस तरीके से जो है एंजॉयफुल होली मनाई जाती है। अब हम हमारी सहयोगी रिया से जानेंगे कि किस तरीके से जो है सेफफुल होली मनाई जाती है। रिया, आप सभी देख सकते हैं कि यहाँ लोगों में होली का उत्साह बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, तो आइए हम जानते हैं कि यहाँ की होली कैसे मनाते हैं। मैम, आपके लिए इस बार की होली क्या खास है? हमारे लिए बहुत खास है क्योंकि हमको हमारा परिवार मिल गया है, प्लाजो परिवार, इसलिए हमारे लिए बहुत स्पेशल होली है। आइए, जैसे कि हम जान सकते हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं होली को लेकर, तो हम और क्वेश्चन कर सकते हैं जैसे मैम, जैसे हम आजकल बाजारों में बहुत से केमिकल युक्त गुलाल मिल रहे हैं, तो हम उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं, तो हम ये सबसे कैसे बच सकते हैं? ऑर्गेनिक कलर से होली खेल के और फूलों की होली खेल के कलर्स को यूज़ नहीं करना चाहिए, बहुत हार्मफुल होता है, तो हमें फ्लावर्स या ऑर्गेनिक कलर की होली खेलनी चाहिए। केमिकल्स वाले रंगों से होली बिल्कुल भी नहीं खेलनी चाहिए क्योंकि वो जानवरों के लिए और इंसानों के लिए भी बहुत हानिकारक है। ऑर्गेनिक कलर्स और फ्लावर होली खेलनी चाहिए। हैप्पी होली। आइए और हम जानते हैं कुछ लोगों से कि होली कैसे मना रहे हैं। आपने सोसाइटी में होली के अलावा और कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? हम लोग यहाँ पे शिवरात्रि भी खूब अच्छे धूमधाम से। भगवान श्री रामचंद्र जी के होली के त्यौहार में कैसे महसूस हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हम अपनी परंपरा को बना के रखे हुए हैं और इस सोसाइटी में इतने अच्छे ढंग से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइजर हमारी सोसाइटी के लोग, बहुत अच्छा लगता है, हम अपनी परंपरा को एक बना के रखे हुए हैं यहाँ। रंग गुलाल लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है। सभी में भाईचारा स्थापित होता है। विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं जो आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। सृष्टि प्लाजो में भी गीत संगीत का यही रंग देखने को मिला। फाग गीतों से सजी सुमधुर गीत संध्या ने सभी को आनंदित कर दिया। लोक गीतों के साथ साथ फिल्मी गीतों की धुन भी सुनाई पड़ी। लोग गिले शिकवे दूर करके एक दूसरे से होली मनाने पहुंचे और एक दूसरे को गुलाल लगाकर अभिवादन किया। देर रात तक होली का ये पर्व चला। कॉलोनी के बड़े बुजुर्ग, बच्चे, युवा सभी शामिल हुए और उन्होंने उत्साह के इस पर्व को मनाया।
सभी लोगों से ताली नहीं बज रही है। कौन कौन राम को मानते हैं? कौन कौन राम को मानते हैं? सभी लोग ना, तो सभी लोग जो उस राम की सौगंध है इस भजन में ताली बजाएंगे सभी लोग जो जो राम को मानते हैं। ऐसे हो मैं राम संग जगता तुम्हारा सदा दो दिन मनाई जाती है। पहले दिन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक कहे जाने वाली होली का दहन होता है और दूसरे दिन रंगों से होली खेली जाती है। वैसे तो पूरे देश में ब्रज और बरसाने की होली काफी फेमस है क्योंकि राधा और कृष्ण से जुड़ी कहानियों में एक प्रसंग होली का भी है। कहते हैं कृष्ण ने राधा को रंग लगाया था, तभी से होली का रिवाज चला आ रहा है। लोग कहीं फूलों की होली खेलते हैं तो कहीं रंगों और पिचकारियों से। We'll be right back.
सुनते ही मन में रंगों का जो उत्साह उमंग छाने लग जाता है, भाग गीतों का एक जो धुन है वो मन में बजने लग जाता है। साथ ही ये चाहेंगे कि अनादि टीवी की तरफ से आप सबको सेफ एंड हैप्पी होली, होली खेले, मस्त रहे, स्वस्थ रहे और सुरक्षित रहे। नमस्कार।